दोस्तों इस साल रिलीज होने वाली साउथ की बड़ी फिल्मों में से एक बड़ी पैन इंडिया मूवी जिसका नाम है गेम चेंजर और सुपरस्टार रामचरण के जो नॉर्थ इंडियन फैंस हैं वो इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहे हैं और सुपरस्टार रामचरण जो कि ट्रिपल आर के रिलीज होने के बाद से एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं और यही रीजन है कि उनकी अपकमिंग मूवी गेम चेंजर को लेकर भारी डिमांड है। तो इस मूवी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है, तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों गेम चेंजर जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को कई सारे कारणों से लंबे समय से पोस्टपोन किया जा रहा है क्योंकि ये मूवी साल 2024 में संक्रांति के मौके पर रिलीज होना थी लेकिन सुपरस्टार रामचरण को मौका मिल ही नहीं पा रहा था कि वो इस मूवी की शूटिंग के लिए टाइम दे क्योंकि ट्रिपल आर मूवी के रिलीज होने के बाद से उनको कई सारे अवार्ड फंक्शन ज्वाइन करना पड़ा, कई सारे प्रोग्राम ज्वाइन करने पड़े। यही रीजन है कि लंबी छुट्टी के चलते उन्हें लंबा समय भी लेना पड़ा और बीच में उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी और इसी तरह से समय निकलता चला गया और आखिरकार ये मूवी बहुत ही लंबे समय के लिए पोस्टपोन हो गई। लेकिन फाइनली दोस्तों एक बार फिर से इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब जो इस मूवी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है तो उससे सुपरस्टार रामचरण के फैंस काफी ज्यादा खुश हैं। और अगर बात करें गेम चेंजर मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की और रिलीज डेट की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सुपरस्टार रामचरण और सुपरस्टार अल्लू अर्जुन में से कौन सबसे बड़ा सुपरस्टार है, आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है, आप किसके डाई हार्ट फैन हो, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर बात करें गेम चेंजर मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इस मूवी की शूटिंग चल रही है और अभी कुछ महीनों तक इस मूवी की शूटिंग और चलने वाली है। लेकिन अब गेम चेंजर मूवी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है कि 27 मार्च को सुपरस्टार रामचरण का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर 27 मार्च को हमें इस मूवी का ऑफिशियल टीजर देखने को मिलेगा, इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इस मूवी का एक नया सॉन्ग भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें गेम चेंजर मूवी की रिलीज डेट की तो खबरें निकल कर आ रही है कि इस मूवी को सितंबर के महीने में रिलीज किया जा सकता है, तो ऑफिशियल रिलीज डेट आपको 27 मार्च को मिल जाएगी।